हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सी टेट के एग्ज़ाम में अब बहुत कम टाइम रह गया है, इसीलिए हमने वन वीडियो वन सिद्धांत की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपके एक ही वीडियो में पूरा एक सिद्धांत समझाने की कोशिश की जाएगी, जो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हैंड रिटिंग नोट्स के साथ में है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ उसको ज्वाइन करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो पियाजे का जो सिद्धांत है वो हमने कल करा दिया है। आज हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण संपत्तियों के बारे में बात करेंगे। पहला है आपका अनुकूलन, यानी कि एडेप्टेशन। ये क्या होता है? पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ एडजस्ट करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है, फिर वो बाहर के वातावरण में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ क्या हो गई कि जन्मजात प्रवृत्ति होती है बच्चे में एडजस्ट करने की। अनुकूलन प्रक्रिया की दो उपक्रियाएं होती हैं, एक तो आत्मसातकरण, दूसरी समायोजन। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो देखते हैं आत्मसातकरण क्या होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बालक किसी समस्या या समाधान के लिए पहले से सीखी गई योजना या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो गया, किसी वस्तु को उठाकर मुँह में रख लेता है, तो वह आत्मसातकरण का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वह सिर्फ खाने की क्रिया ही जानता है। उसके आसपास जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई होंगी वो सिर्फ उनको उठाकर क्या करेगा, मुंह में रखेगा, क्योंकि वो बस एक ही क्रिया जानता है। कोई भी चीज़ हो गई उसके लिए समस्या हो गई, आप इस तरह से समझिए, कोई भी चीज़ उसके लिए समस्या हो गई, उसको पता है कि भाई कुछ भी है तो हमें उस मुँह में रखना है, खाना है उसको। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पहले से सीखा हुआ ज्ञान काम नहीं आता, तब क्या करते हैं, तब स्थिति आती है समायोजन की। जब पुराना ज्ञान काम ना आए तब इस स्थिति में बालक अपनी योजना, संप्रत्यय व्यवहार आदि में बदलाव करता है, चेंजेस करता है, जिससे वह क्या करता है कि नए वातावरण के साथ अनुकूलन कर सके। स्थिति आपको घुमा फिरा के सिर्फ अनुकूलन पर लेकर आनी है। ठीक है, अपनी स्कीमा में नए ज्ञान से पुराने ज्ञान में चेंज करना, नए ज्ञान से पुराने ज्ञान में चेंज करना समायोजन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए कि यदि बालक कुत्ते को जानता है परंतु एक बिल्ली को देखकर वह अपने मानसिक संप्रत्यय में परिवर्तन करता है, वह समायोजन है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके हर डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, यह एक साम्य धारण की बात करते हैं, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन के बीच एक संतुलन कायम करता है। इक्वल माने क्या होता है, बराबर करना, संतुलन करना। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन के बीच एक संतुलन कायम करता है। इसको हम इस ग्राफ से समझते हैं कि जैसे आत्मसातकरण की स्थिति में बच्चा हमेशा रहता है। ठीक है, जब आत्मसातकरण होगा तो साम्य धारण भी होगा। ये चीज़ सिचुएशन कौन सी हो गई आपकी, डॉग वाली हो गई, कि भाई बच्चा जो है वो डॉग को जानता है तो इक्विलिब्रेशन की स्थिति में है। लेकिन जैसे ही नई सिचुएशन आई, जैसे ही आई कैट, बच्चा डिस इक्विलिब्रेशन की सिचुएशन में हो गया, असाम्य धारण की स्थिति में हो गया कि भाई ये क्या चीज़ है, वो तो कुत्ता था लेकिन ये कौन सी है, तो कुत्ते जैसी। तो जब डॉग और कैट इन दोनों के संप्रत्यय में वो समझ जाता है, तब सिचुएशन आ जाती है समायोजन की। ठीक है, जब वो ये जान जाता है कि डॉग और कैट जो हैं वो अलग अलग हैं, इसको कुत्ता कहते हैं, इसको बिल्ली कहते हैं, समायोजन कर लिया उसने अपने पुराने ज्ञान में, नए ज्ञान को मिला लिया, वो क्या स्थिति हो गई आपकी, समायोजन की स्थिति हो गई। ठीक है, बात करते हैं संरक्षण की। इसके बारे में भी पियाजे ने बात की है। आप सभी जानते हैं कि जो आपकी द्वितीय स्तर है प्राक संक्रियात्मक, उसमें तीन चीज़ें आती हैं, उसमें से एक संरक्षण है। तो वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता दोनों को पहचानने व समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की जो क्षमता होती है वो संरक्षण कहलाती है। ठीक है, वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता दोनों ही होती हैं, और जो इन दोनों के बीच में डिफ्रेंस को समझ ले वो संरक्षण कहलाती है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, स्कीम्स और स्कीमा। ये दोनों एक से लगते हैं बट एक नहीं होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्कीम्स क्या होते हैं, व्यवहारों का संगठित पैटर्न होता है। जैसे जब बालक स्कूल जाने के लिए बैग तैयार करता है, फिर स्कूल ड्रेस पहनता है, जूते पहनता है, व्यवहार के ये सभी संगठित पैटर्न को स्कीम्स कहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि स्कीम्स जो होती है वो मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप है। ठीक है, आपके मानसिक संक्रिया में जो भी
इन्फॉर्मेशन के पैकेट होते हैं, आप उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। आपको पता है कि हाँ, हमें सुबह स्कूल जाना है, तो सबसे पहले हमें अपना बैग तैयार करना है, फिर ड्रेस पहननी है, फिर शूज़ पहनने हैं, तो आप वैसे ही तो व्यवहार करेंगे, ठीक है? जो आपके माइंड में इंफॉर्मेशन के पैकेट्स होंगे उसी तरह से। स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा में ये जो होती है, स्कीम से अलग संप्रत्यय है। स्कीमा एक मानसिक संरचना है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, मतलब हम ज्ञान को कैसे व्यवस्थित करते हैं। हम नई जानकारी लेते हैं, ठीक है, हम इसे उन अन्य चीज़ों से जोड़ते हैं जिन्हें हम जानते हैं, मानते हैं या अनुभव करते हैं। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि ये एक बैग हो गया, ठीक है, ये आपका स्कीमा है। अब इसके अंदर जो छोटी छोटी सी पैकेट्स बने हैं इन्फॉर्मेशन के, वो स्कीम्स हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इनके बीच में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं विकेंद्रण के, डिसेंट्रिंग की। ये क्या होते हैं कि किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकेंद्रण कहलाता है। पियाजे के अनुसार जब बच्चा 3-4 महीने का होता है तो उसमें ये क्षमता नहीं होती है। वह आत्म केंद्रित होकर सोचता है, वो ये सोचता है कि भाई हम चल रहे हैं तो चांद चल रहा है, हम दौड़ रहे हैं तो पेड़ दौड़ रहे हैं, ठीक है। परंतु जब वह 23-24 महीने का हो जाता है तो उसमें वस्तु या चीज़ के बारे में मानसिक ढंग से या वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जितने भी संप्रत्यय थे वो हमने समझाने की पूरी कोशिश की और आपको समझ में भी आए होंगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहें, ठीक है। बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।